जी हाँ, आज हम राइसिंग नगर में, जिला श्री गंगानगर राजस्थान में, मैं डॉक्टर आर के रिवारिया आज पवन जी अग्रवाल के घर बैठे हुए हैं। इनकी धर्मपत्नी भी साथ हैं और इनको हमने एक महीना पहले हमारे ई बायोटोरियम का मैट्रेस यूज करने के लिए दिया था इनको, और इनके शरीर में कुछ समस्याएं भी थी, तो ये खुद बताएंगे कि उन समस्याओं से क्या क्या समस्याएं थी, कितना आपको लाभ मिल चुका है। पवन जी आप पहले बताएं, फिर जी से पूछेंगे। ये मुझे गदूल की शिकायत महसूस हो रही थी, जिसमें मुझे पेशाब करने के लिए, बाथरूम जाने के लिए रात को 3-4 बार उठना पड़ता था। अब वाई दवे एक बार उठना पड़ता है, कई बार वो भी नहीं उठना पड़ता। इसमें ये काफ़ी फ़र्क है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और दूसरी ये चीज़ है जी, जो बोतल का पानी हम यूज करते हैं, इससे सुबह उठते ही हम मुँह धोते हैं और आँखें धोते हैं, इससे हमारी रोशनी, मेरी आंखों की रोशनी के अंदर भी काफ़ी मुझे फ़र्क महसूस हो रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। और बहन जी आपको क्या क्या है, आप भी बताइए अपने शरीर के लिए कैमरे के अंदर। मेरा तो जो हाथों में दर्द था, 10 साल से दर्द है, और वैसे गांठे बने रहती थी, जोड़ों में दर्द था, जोड़ों में दर्द। अच्छा, अब मेरे बिल्कुल भी हाथों में दर्द नहीं है। कितने दिन के बाद महसूस हुआ आपको फर्क? 15 दिन के बाद ही महसूस होगा, इस गद्दे पर छोड़ने पर और पानी पीने से 15 दिन बाद आपके लगभग ये कितना % ठीक है या थोड़ा बहुत दर्द रह रहा है? अब हाथों में तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और कोई तकलीफ थी आपको? नहीं, अब एलर्जी थी वैसे जी, अभी कनक वगैरह साफ करती हूँ तो मेरे को एलर्जी है। छींके आने लग जाती थी? अच्छा अच्छा अच्छा, छींके आने लग जाती थी तो अब वो भी नहीं। सारी रात नहीं सो सकती, सारी रात नहीं सो सकती थी। क्या बात है, बहुत अच्छा। आपको तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे पवन जी? आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे या आप दीजिए, क्या संदेश देंगे लोगों को? भाई देखो जी, हमने ये गद्दा जो है एक महीने से यूज कर रहे हैं, और एक ये पानी का बोतल, ये पानी, ये यही पानी चुमकिया पानी यूज करते हैं, दूसरा पानी घर वाला पानी यूज नहीं करते। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो इससे हमें काफी राहत महसूस हुई है जी, जी, बहुत। तो मैं लोगों को ये संदेश देता हूँ कि जिनके बीमारी हैं वो तो इनको यूज करें ही करें, और जिनके बीमारी नहीं है वो भी अगर इसको यूज करते हैं तो आगे बीमारी की संभावनाएं कम होती जाएंगी। वाह जी, बिल्कुल, क्योंकि हम मीटिंग में आपने सुना होगा कि जिनको रोग नहीं है उनको 300 से लगभग ज्यादा रोगों को ये नया होने की संभावनाएं पैदा करता है, वो रोग आने की संभावनाएं खत्म होती है। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।